हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो सारे? आई होप सारे मस्त फिट मजे में हो। मैं बहुत मस्त हूँ, फिट भी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन से कुछ जंक फूड नहीं खाया है। आज रात को मैं बहुत ज्यादा खाने वाली हूँ। आज है 11th of July, मेरे पापा की 25th एनिवर्सरी। मैं बहुत जल्दी में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो जितना मैं जल्दी बोलती हूँ उससे भी स्पीड में बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन करना है। बहुत वियर्ड भी लग रहा है कि मेरे घर का फंक्शन है एंड मैं वॉक की भी टेंशन होगी मुझे, व्लॉग करूँ तैयारी करूँ, व्लॉग करूँ तैयारी करूँ, दोनों ही बहुत जरूरी है गाइस। बहुत कंधों पर जिम्मेदारी है, बहुत मम्मी मेरे कंधों में बहुत जिम्मेदारी है। बताइए, मैं पापा के साथ होटल के लिए निकल रही हूँ क्योंकि गेस्ट आ चुके हैं। कौन सी जिम्मेदारी झुक गया है कंधा मेरा ये जिम्मेदारियों से? कहाँ झुक गया दिखा? देखो, पर्व और मर्सी गए हैं पर्व का सूट लेने, निखिल के साथ, देवेश का आता पता नहीं है, होटल जा रहे हैं। गेस्ट का क्या करना है? वेलकम करना है, गेस्ट का वेलकम करना है। मेरा सारा सामान वहीं पे रेडी होंगी, मम्मी लेट आएंगी, मैं पहले रेडी हो जाऊंगी, बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, अब चलते हैं। बहुत गर्मी है पापा आज, चाचा आ रहे हैं अभी इसलिए मैं पीछे बैठी हूँ, क्योंकि चाचा पापा आगे बैठेंगे। कौन कौन गेस्ट आ गया पापा? पापा का एक ही फ्रेंड आ रहा है कोलकाता से, कोलकाता से पापा ने CA करी थी, तो एक लौता पापा का फ्रेंड आ रहा है, तो पापा एक्साइटेड है। मेरे तो दोस्त शाम को ही आएंगे, तो उनका तो होटल का स्टे नहीं है, पर के SATVL के मेंबर्स जो हैं वो आए हुए हैं, तो स्टे उनका है, तो बेसिकली अभी मुझे उनके लिए जाना है। ऑल्सो एक सरप्राइज है, बट वो मैं होटल में जाके बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मम्मी के लिए सरप्राइज है। हाँ, तो हम सबके लिए, बट गलती से पता चल गया हमको, अभी सिर्फ मम्मी के लिए बचा हुआ। अच्छा कलर आया, पापा ने बड़ी पापा ही लगवा कर आए थे, और गाड़ियों के गेट भी खोल रहे थे ताकि खराब ना हो। अच्छा है, बहुत मैंने कम लगवाई थी, बट कलर अच्छा आया। चाचा का वेट करते हुए सारा अभी हो रहा है, डेकोरेशन हो रही है, वो भी स्टेज भी लग रहा है, एंड यहाँ पे होगा खाने वाला एरिया, अभी लग ही रहा है, अभी सज ही रहा है। एंड अभिनव अभी बात कर रहे हैं, DJ का वही हैंडल करेंगे, उनका मन है, तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। मेरे साथ अभिनव है एंड DJ का आज हेलो। मैं कब मिली हूँ? अभी आई थी घर तब मिली थी। आज तो DJ वाला पूरा सीन ये देख रहे हैं, मतलब माहौल जमने वाला है कि अगर बहुत, और ये लेकर आए हैं पेन ड्राइव वगैरह पहले से, एंड इन्होंने नमन से स्पेशली पेन ड्राइव मंगवाई है। कहाँ है? पहले बोलना चाहिए, कह रहा है तुम्हारा भाई DJ है तो तुमने क्यों इतना टेंशन लिया, पहले बोलना चाहिए, बड़ा मजा आएगा। बहुत बहुत स्वीट है अभिनव, बहुत स्वीट है सच में। थैंक यू। आंटी कह रही है नमन इतना दिमाग से पैदल है कि ट्रैक पैंट ले आया है ब्लेजर के साथ। तुम ट्रैक पैंट लेकर आए हो ब्लेजर के साथ? नहीं, कह रही है दिमाग से पैदल है नमन। मैं कह रही हूँ पहला कोई इंसान है जो बोल सकता है कि नमन कितना दिमाग से पैदल है। क्या क्यों लेके आए? मारो आंटी, हमने नहीं रखा था कोट। हाँ। उमंग ने रख दिया था। वैसे मैं इन दोनों से बात करने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, सॉरी, क्योंकि सुबह से सब मैंने अकेले मैनेज किया है, नहीं आ रहे थे। वैसे एक बात बताऊँ दीदी। हाँ। आपको फोन करना चाहिए था, आपने फोन नहीं करा। बेटा मेरे मुंह मतलब, आपने मेरे को तो फोन नहीं करा, इनको मैंने मुंह नहीं लगाया। आपने मेरे को फोन नहीं करा। बस बेटा, मैं इसका बदला लूंगी ना, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अरे अच्छा, डांस तो कर लो दीदी, ये सब बातें बाद में होंगी। वैसे मेरा इनसे बात करने का मन नहीं है, बट क्योंकि डांस प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं कर रही हूँ। कोई काम नहीं आया भाई, मैं अकेले, पता मैं थक गई हूँ, मुझे मेकअप करवाना है। चल 1 2 3 अरे वो लग जाएगा कॉपी मुंह से का। हीरिये सहरा बांध के मैं तो आया रे, हे गोली बार रात भी साथ में मैं तो लाया रे, अब तो ना होता है एक रोज इंतजार, सोनी आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे, तेनु लेके मैं जाऊंगा दिल दे के मैं जावांगा। 1 2 3 रन हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया कैसा ये कमाल, क्या कहे तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया कैसा ये कमाल, क्या कहे। धुमतना 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 धुम। चल देवर स्टॉप ना कर दे। 1 2 3 स्टार्ट। हीरिये सहरा बांध के मैं तो आया रे, हे डोली बार रात भी साथ में मैं तो लाया रे, अब तो ना होता है एक रोज इंतजार। सुन क्यूटी पाई भी कर दे एक बार, क्यूटी पाई। हाय हाय गाइस, ओए दिवेश पर्व कैसे डांस करता है? अच्छा वो ऐसे कर, ऐसे करके गाओ, गाना हो गया। तेरे को उसने पर्व में नीचे बुलाया था, ये देख लो, इसे देख लो, ये
बिना चाबी की गाड़ी चलती कैसे? भाई एक बात बताओ, चलती रोड पे अगर गाड़ी बंद होती मैं बताता हूँ शुरू से क्या हो। तो एक तो अगर मैं सुबह लेट उठाऊँ, ठीक है, न मैं किसी गेस्ट से मिल पाया हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे मिलना, सबका काम कराना, होटल पहुंचाऊ, होटल से मिलाऊ, होटल से मिलकर सुनने में आता होटल कपड़े नहीं लाया, जाता हूँ कपड़े लेने, उसके साथ कपड़े ले रहा होता हूँ तो कॉल आता है, भाई तेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? मतलब इंपाल कहता वैले की मेरे पास है, नहीं कहता गाड़ी हमारे पास है, चाबी तेरी होटल में, मतलब पैसिफिक पहुंच गए और ये पैसिफिक में, मतलब चाबी तुम्हारे, चाबी नहीं है गाड़ी तुम्हारे पास, ऐसे कैसे? तो कहता भाई उसे चाबी नहीं दी बट गाड़ी हमारे पास है, बिना चाबी की गाड़ी चलती ही नहीं है, फिर बिना चाबी की गाड़ी यहाँ तक कैसे आ गई मेरे को ये समझ नहीं आया। भागा भागा होटल गया, मैंने पूछा भाई चाबी आप पे है? तो कह रहा हाँ मेरे पे है। बिना चाबी की गाड़ी पैसे में पड़ी हुई है, मैं 20 मिनट ऑटो लेके आया हूँ, चाबी दी, दो बार पार्किंग में तो बैठी, ये ढूंढा गाड़ी का, 6 बज गए, 6 बजे सबको आना था, एंड 6 बजे क्या ढूंढ रहे? चाबी, अभी ढूंढ रहे हम 6 बजे, अभी जाएंगे, पहले तो टाइम से कुछ जाए, पहले तो मैं जाऊंगा गार्ड को पूछूंगा भाई दिक्कत क्या थी, बहुत तगड़ा यार आपको चाबी देनी चाहिए भाई, बिना मैं तो आज तक किसी भी होटल में वैली पार्किंग दिया चाबी वाला गाड़ी के अंदर डाल के देते भाई, नहीं तो हाथ में पकड़ाते हैं, उसने जाने ही कैसे दिया बिना चाबी के? दो ना यार, रख दो भाई, यार रखते हैं यार वो वहां तो रख दो ना, छोड़ भाई। मैंने ना, मैंने पहले यहाँ ढूंढा, मैंने कहा नहीं मिली, मैंने फिर यहाँ देखा, मैंने कहा चल इसमें हो गया आर्मरेस्ट में, इसमें चेक कर लेता हूँ, मैंने कहा इसमें भी नहीं है, मैंने कहा अभी ये जो लड़ रहे हैं आपस में, वहां मेरा चालान कट गया बिना मास्क के घूमने का पैदल ही पैदल, हम भी तो घूम रहे थे, एड्रेस वेड्रेस फुल लिखवा के आऊंगा पहले तो, और बताओ मैंने कहा फंक्शन है जाने दो प्लीज भाई, कुछ ना कुछ तो होता है, पर भाई ये बहुत बड़ी मीटिंग हुई यार, इससे बड़ा, इससे बड़ा कुछ हमारे लिए कुछ, मैं तो मैं पागल हो गया था, पर मैं सही बता रहा हूं, जब होना होता है ना तो होना होता है ना, तो कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, मतलब कोई सेंस तो बिना चाबी की गाड़ी, अरे मैं बताऊं चलती जाम में इसी गाड़ी, ये गाड़ी बंद हो जाती तो एक किसको ब्लेम करता, पहले वाला ही आता, वाला ही आता, मैं तो नहीं आता भाई बीच जाम में गाली खाने सब लोगों से, मैं तो साफ साफ बोलता गाड़ी छोड़ दो तो हो जाएगी अपने पा जाएंगे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि भाई वैसे जाम लग रहा है हमारी गलती है, बट भाई चाबी तो देनी चाहिए यार आपको, तो जब जा रहे हैं सब तैयार हो रहे हैं, गाड़ी मिल चुकी है, गाड़ी मिल चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है, अम्मी पापा आए नहीं है पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, चलो चलते हैं।